टीके आर्ट्स एंड क्रिएशन में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। आज मैं पहले आपको यहाँ जो साइड में हम यहाँ स्लिट्स वगैरह पे अगर या घेरे पे हम डिजाइन बनाते हैं तो उसके साइड में हमें थोड़ा सा कपड़ा लगाने की जरूरत पड़ती है। हम इस तरह लगाएंगे कपड़ा। ये देखिए फ्रेंड्स, आप इसी मशीन के इसी धागे से आप कपड़े को इस तरह अटैच करेंगे। ये देखिए, मेरे किसी फ्रेंड्स ने बोला था कि हमको पत्तियां बनाना बताएं। ये देखिए फ्रेंड्स, आप जो नुकीली पत्तियां अगर आपको बनानी हो तो आप यहां से, ये देखिए, यहां से जीरो पर लेके जाएंगे यहां पर, और जीरो से लेके दो तीन चार नंबर लेके और इसको धीरे धीरे फिर जीरो पर ले आएंगे। इस तरह इसकी पत्तियों को हम बनाएंगे। ये भी हम जीरो टांके से लेकर दो तीन नंबर लेकर फिर हम जीरो से लेते हैं। भी हम ग्रीन कलर से कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पर हम राइस स्टिच से करेंगे। राइस स्टिच से हम जो चौड़ा चौड़ा टांका लेते हैं एक ही जगह पर, ये देखिए हम पांच नंबर लेंगे यहाँ पर हम गोल पत्तियां बनाएंगे। मेरी की फ्रेंड्स ने गोल पत्तियों के बारे में भी बोला था। ये देखिए फ्रेंड्स, हम गोल पत्तियां इस तरह बनाते हैं, थोड़ा चौड़ा लेके एक नंबर लेके दो लेके और थोड़ा फिर जीरो पर ले आएंगे। इस तरह हम गोल पत्तियां बनाते हैं। हैं इसमें
ये जरी थ्रेड से करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, जरी थ्रेड यूज करते टाइम आप बॉबिन का धागा भी थोड़ा टाइट कर लें, और जो हमारा ऊपर टेंशन का धागा होता है यहाँ पर उसको भी थोड़ा सा टाइट कर लें, तो आपका जो जरी थ्रेड है वो अच्छे से चलेगा। हाँ, जो बॉर्डर के नीचे लाइन है उसको भी हम सैटन स्टिच से बनाएंगे, और वो भी हम 4-5 नंबर से बनाएंगे। मैंने यहाँ पर सिंपल बनाई है, लेकिन आप कटवर्क भी कर सकते हैं। मैंने कटवर्क की और भी वीडियोस बहुत डाली हुई हैं, आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। हम इसको जिगजैग से यहां पर हम जो हमारा राइस स्टिच होता है इस तरह होता है राइस स्टिच, 3-4 नंबर लेंगे एक ही जगह पर। जैसे इस तरफ हमने डाई स्टिच किया है, आप दूसरी साइड भी इसी तरह। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।